क्या आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? ये बताओ तुम किस गांव में रहते हो और किसके यहाँ रहते हो? तो पलटकर लेकिन ये बता तुम हाथ में क्या लेकर चला है? ये क्या चीज है? मुझे लगता है कि तो पढ़ने जा रहा है शादी कराने। पंडित जी आप जाइए, घर पे बुलवा है। देखिए ऐसा है ठाकुर साहब, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। आप कहते हैं कि किताब लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, इस वक्त देखिए मेरा ये हालत, देखिए मेरा ये निवास, देखिए मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? जी हाँ, मैं सच कहता हूँ। देखिए बिल्कुल मैं निहत्था हूँ, यूं ही इधर से अपने खेतों की तरफ घूमने जा रहा था, अचानक आप मुझे आकर के मिल गए। लेकिन कर्मचारी महतारी और मारा जाओगे, अनशन बातें करोगे? नंबर एक अरे नहीं जाओ, उसके कार्य को क्यों मारते हो? ऐसा है भैया कि मरे हुए को मत मारो, अरे उसको चेक करिए। मैंने कहा आज किताबें है या नहीं? कि मेरे पास सब कुछ है ही नहीं, तो आप चेक क्यों करवा रहे हैं? लॉकडाउन ना बीमारी फैला रहा तो चेक तो जरूरी है करा। इधर आइए, चेक करने पर क्या बता रहा है?
हमारे पास महेशी बता रहा है। अच्छा और कुछ? आगे चेक किया तो कोरोना बता रहा है। अच्छा और ऊपर चेक किया तो वायरस बता रहा है। और एक बात कहा है आपने? नीचे चेक किया तो लॉकडाउन बता रहा है। और तो क्या बता रहा है? ठाकुर साहब देखिए किस चीज का दवा है? ये महेशी का है और ये स्विच ऑफ का है। ये खाओगे स्विच ऑफ खुल जाएगा। ये इन दवाओं जरूरत नहीं है। अगर जो ये दवा देना है तो ये रोग का बीमारी वाले इंसान है। लोग नहीं है, बीमारी वाले उधर है। भैया ऐसा है कि देखो बीमारी से ही एक आदमी उठ के चला गया। अभी इसका पेट झर रहा है, ये छोले भटूले जा रहा है। मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मुझे किसी प्रकार की बीमारियां नहीं है, तो मुझे खामखा आप लोग क्यों परेशान करते हैं? ठाकुर साहब मैंने आपको कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, परेशान मत करिए। आखिर क्या बात है? अरे बहुत जोर है करंट मार रहा है। क्या ये लगता है कि बादल पार से लाया, इधर से लाया, इसके पास लाइन है। लाइन है? अरे वो लाइन से बात है। सरकार विश्वास न पाए लेकिन तो पे मोतिया भी। ठाकुर साहब अगर जो ऐसे इंसान को अपने साथ में रखेंगे तो कसम से मैं झूठ नहीं कहता हूँ, ये मेरा जान ले। देखिए इतना जोर से पकड़ा है, अब क्या बताएं आपसे। ऐसे नहीं, ऐसे ही चेक किया जाता है। नीचे पकड़ लो, ओ भैया ऊपर पकड़ लो। ये बताओ मैंने तो हर मरवाओ बिरादा है, मरवाओ बिरादा है। मारने का इरादा है, अभी मैं तुझे यहाँ से लात मार के भगाऊंगा। मैं ये नहीं, मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम इनके दरबार का कर्मचारी है, क्योंकि मेरे साथ बदतमीजी मत करो। अच्छा बदतमीजी करी थी? मैं एक खुद सताया हुआ इंसान, एक गरीब इंसान के साथ इस तरह मजाक करते हो तुम्हें शर्म नहीं आता है? गरीब का दही भाव अपने काथो मरवावे 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 सरकार। कुछ नहीं उसके पास। मर लहोम न मारो ने महतारी की पहली महतारी करी आई। मैं जो पूछता हूँ उसको बताइए। चुनाई पाइप खाली बैटरी भरे, आप विश्वास ना तुम बहुत मारे जाओगे। मैं बैटरी चेक करने के लिए नहीं कहा है। तब क्या करें क्या? मैंने कहा कि देखो इसके पास क्या चीज है। वह चीज तो पता लगा पाए साथ है तार एकदम स्विच तो नहीं चक्कर पाता हो तो मैं और चक्कर पाता हूँ। आप चेक करा जा कहता हूँ ठाकुर साहब मेरे कहीं का गलती हो गई।
मेरे ऊपर इतना सितम की धार है।
डॉक्टर साहब तुझे ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान का 5-5 साल के लगान बाकी, लेकिन अभी तक एक पैसा दे नहीं सका और तुम्हें तुम्हारा पिता पढ़ाई करने के लिए चोट लगा था ठाकुर साहब के पास। मेरे मालिक आज ये मैं कैसा दिन देख रहा हूँ, गरीबों का कोई इज्जत ही नहीं है, चोट अगरों का इतना चलती है कि गरीब लोगों को देखते ही लातों से ठोकर मारते हैं, उनके बदन पर चाबुक चलाए। अरे क्या गलती किया था, सिर्फ एक किताब लेकर पढ़ाई करने तो जा रहा था, मुझे क्यों इतना सताया गया भगवान, क्यों इतना सताया गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से ठाकुर का चमचा ठाकुर के पास जरूर लेके जाएगा और मैं ठाकुर से नजर बचा के कहीं दूर भाग जाता हूँ। अभी मेरा जान बचेगा नहीं तो अरे ठाकुर तो मुझे मार ही डालेंगे। अरे यार ऐसे बढ़ रही है उन्हें Oh,